आज हम लोग आए हैं बसंत उत्सव मनाने आराधना डांस एकेडमी। देखिए बच्चे सब तैयार हैं, कितना सुंदर लग रहे हैं बच्चे, और सब सारे मेकअप करके एकदम रेडी हैं। अभी कुछ ही देर में हम लोगों का प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और आज के प्रोग्राम का आनंद लीजिएगा। आज का वीडियो मैं उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छा लगेगा। ये बच्चों को एनकरेज करने के लिए बस एक छोटा सा प्रयास है, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। चलिए देखिए पीछे तैयारी हो गया है सारा कुछ और अब प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। चलिए प्रोग्राम का आनंद लीजिए। आप लोग अंकिता को जानते ही होंगे, मेरे सारे वीडियो में इसको देखते होंगे। तो ये एक डांस स्कूल चलाती है, डांस में ये बहुत ही अच्छी है। तो डांस स्कूल का नाम है आराधना डांस एकेडमी। तो आज उसी का एक प्रोग्राम, छोटा सा कल्चरल प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। तो कुछ संगीत का और कुछ डांस का प्रोग्राम रखा गया है बसंत उत्सव मनाने के लिए। चलिए आज का वीडियो का आनंद लीजिए आप लोग। आज के এই অনুষ্ঠান দোল পূর্ণিমা উপলক্ষে আপনাদের সবাইকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ। দোল পূর্ণিমা বাংলা বসন্ত উৎসব। প্রতি বছর আমরা এই দিনটি রং খেলায় আনন্দ উৎসবে মেতে উঠি। দোলযাত্রা যেন বসন্তের আহ্বান, এই উৎসবটি যেন জানিয়ে দেয় শীত বিদায় নিয়েছে, এসেছে বসন্তের ছোঁয়া। এই দিনটি আবিরের রঙে রঙিয়ে দেওয়ার দিন। নিজের সব দুঃখ কষ্ট ভুলিয়ে আসুন আমরাও আজকের দিনটিতে আনন্দে মেতে উঠি। এই দিনটিতে পূজিত ঈশ্বর রাধাকৃষ্ণ। आप लोग अगर शांति निकेतन गए होंगे तो वहाँ का होली बसंत उत्सव बहुत ही सुंदर होता है। सब रविंद्र संगीत गाते हैं और सारे मिलके एक साथ बसंत उत्सव मनाते हैं। तो वहाँ का होली कभी आप लोगों को मौका मिले तो आप लोग जरूर जाइएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, एक अलग रंग देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो आज मुझे उसी का झलक यहाँ देखने को मिल रहा है। अभी के टाइम में हमारे समाज से कल्चरल प्रोग्राम जैसे छूटता जा रहा है, तो इसी के पकड़ को मजबूत बनाने के लिए ये एक छोटा सा प्रयास है आराधना डांस एकेडमी के तरफ से। तो आप लोगों को आज का प्रोग्राम कैसा लग रहा है ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। হোলি উৎসব একই সাথে বসন্তের আগমন বার্তাও নিয়ে আসে। এটি মানুষের জন্য ঋতু পরিবর্তনকে উপভোগ করা ও নতুন বন্ধু বানানোর উৎসব।
আমরা সবাই জানি শান্তিনিকেতনে বসন্ত উৎসব নামে পরিচিত। এই উপলক্ষে দোল উৎসব এরকমই একটা উৎসব যেখানে আমাদের মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের জন্মদিন, নো ডাউট এটা রাধা কৃষ্ণর লীলাক্ষেত্রকে অবলম্বন করে দোল উৎসব পালিত হয়। দোল উৎসব শুধুমাত্র ভারতেই নয়, ভারতের বাইরে এবং ভারতের বিভিন্ন অংশে নানা রকম নামে এর উৎসব পালিত হয়। আজকে এই অনুষ্ঠান সম্বন্ধে একদিন আমাকে অঙ্কিতা বলছিল যে আমি একটা এরকম করবো, তো আমি নিজে থেকে বললাম, ও আমাকে তখন থেকে বলেনি, আমি নিজে থেকে বললাম আমি নিশ্চয়ই আসবো, কেননা আমি খুব ছোটবেলা থেকে একে দেখেছি। এর মধ্যে সব রকম গুণ বিদ্যমান এবং সঙ্গীতকে খুব ভালোবাসেন। আমরা ভারতবর্ষে থাকি, ভারতবর্ষ কথাটাকে যদি একটু অনুসরণ করা যায় তো ভারত যেটা হচ্ছে ভাব, রস আর তাল, যেটা দিয়ে আমাদের সঙ্গীতের সৃষ্টি। আজ আজকের এই অনুষ্ঠানে সত্যি ছোট ছোট বাচ্চারা, খুদে খুদে বাচ্চারা অনুষ্ঠান করছে, আনন্দ পাচ্ছে, এই জিনিসগুলো আজকাল খুবই বিরল, করতে চায় না, বিশেষ করে শিক্ষকেরাও এগিয়ে আসতে চায় না, কেননা যে কোনো অনুষ্ঠান করতে গেলে অনেক ঝুটঝামেলা হয়। কিন্তু সেই সব সহ্য করে অঙ্কিতা যে এই কাজগুলো করছে বাচ্চাদের জন্য, এটা নো ডাউট খুবই গর্বের কথা। এবং যারা অভিভাবক এসছেন, সাদর আমন্ত্রণ। দোল পূর্ণিমা বাংলা বসন্ত উৎসব, প্রতি বছর আমরা এই দিনটি রং খেলায় আনন্দ উৎসবে মেতে উঠি। দোলযাত্রা যেন বসন্তের আহ্বান, এই উৎসবটি যেন জানিয়ে দেয় শীত বিদায় নিয়েছে, এসেছে বসন্তের ছোঁয়া। এই দিনটি আবিরের রঙে রঙিয়ে দেওয়ার দিন। छोटे छोटे बच्चों का ये छोटा सा प्रयास, उम्मीद करती हूँ आज आप लोगों को वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि छोटे छोटे बच्चों को और भी इनकरेजमेंट मिलता रहे और हमारे समाज में इस तरह का कल्चरल प्रोग्राम को और भी आगे दिशा मिलती रहे। चलिए मैं फिर मिलती हूँ आगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप लोग मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिए और आप सबको मेरे तरफ से और साइलेंट ड्यूटी की तरफ से होली मुबारक। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।